एटा के आवागढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आवागढ़ पर मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप जैन के द्वारा फीता काटकर किया गया। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष संदीप जैन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश की सरकारें दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ब्लॉक स्तर पर ही शिविर लगाकर प्रमाण पत्र वितरित कराए जा रहे हैं, जबकि पूर्व की सरकारों में दिव्यांग बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों को भी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस मौके पर चेयरमैन आवागढ़ महेश पाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश कुमार वाशने, पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह राजू, मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दीक्षित के साथ कई लोग मौजूद हैं। विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने के कार्यक्रम में उपस्थित इस आवागढ़ मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान नवीन दीक्षित जी, इस मंडल के, इस नगर पालिका पंचायत के यशस्वी चेयरमैन श्रीमान महेश पाल सिंह जी, इस जिले के पूर्व हमारे साथी श्रीमान राजेश सरानी जी, नाका जी, संतोष जी उपस्थित करा रहे हैं उसके सारे के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं श्रीमान डॉक्टर। अच्छा लग रहा है कि विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमारे भाई बहन कभी एक चक्कर लगाते थे, कहीं कहीं लगाते थे और चक्कर लगाते रहते थे, बहुत कम सर्टिफिकेट बन पाते थे कि मानसिक रूप से अयोग्य है और वास्तव में उन्हें सर्टिफिकेट की जरूरत है और आगे भी पड़ेगी। जो भी स्थानीय स्तर पर जो आयोजन किया गया है आवागढ़ के अंदर वो सराहनीय कार्य है, क्योंकि आज ये सारे लोग इकट्ठे होकर एक ही जगह से इस सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में सरकार ने पूर्व में अनेकों अनेक योजना बनाई है, वो अब तक पहुंच रही है। आज भी उसी योजना के तहत ये सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मैं पुनः आप सब लोगों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए और इस कार्यक्रम के जो कराने वाले हैं डॉक्टर राठौर जी और उनकी पूरी टीम को शुभकामना धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एटा से केके न्यूज ब्यूरो, राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट।